अच्छा एक बात और, मैं जो जैसा कि मैं पहलगाम से गए और हम लोग बालटाल से आए ना, हाँ मैंने बहुत सारी बारीकी चीजें देखी है। कुछ सर ने देखी, कुछ बिटिया ने देखी, कुछ मैंने देखी। हाँ इसके लिए एक आवाज भी उठानी है। हम लोग आए उसके बाद में ना, खच्चर और यात्रियों के बीच में झड़प हुई थी और पत्थरबाजी करी थी। उसका वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, तो उनके खून भी आ गए थे, दो जनों के तो साथ हाँ में। सिर्फ अटका पे सामने की बात है क्या ये? हाँ नहीं, हम लोग आ गए थे, उसके सेकंड डे की बात है। और वो वहां की पुलिस तो उन्हीं का साथ देती है, खच्चर हाँ वालों का, है ना, वो तो ऑब्वियसली है ही है। हाँ और इसके अलावा भी वहां पे क्या है, जो पर्ची कटती है, जैसे पर्ची कटती है, जैसे 1,000 रुपए की पर्ची कटती है, तो 1,000 रुपए में कोई भी खच्चर वाला लेकर के जाने को तैयार नहीं होता है। अच्छा और वो मुंह मांगे पैसे आगे मांगते हैं, मतलब 2,000 दे दो, 3,000 दे दो। तो ये एक तो सबसे बड़ा रीजन हाँ है ना। दूसरा, आपको ये लोग जगह जगह रुकवा करके जिस तरह से, मतलब हाँ टेंट का खर्चा करवाते हैं अपने से। सही देखो, सबके पास में जरूर नहीं, देखो इतना पैसा लेके बात है। जाएगा। मैं हमारे को होटल में फंसा दिया क्या कह रहा हूँ भाई। हमें बेस कैंप से निकाल करके बाहर टैक्सियां थी नहीं, तो हाँ, मजबूरी में होटल में ठहरना पड़ा। अब जी 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 सबके पास पैसे थोड़ी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी मिली और भगत चलती है ये। इसके अलावा टेंट में भी यही पोजीशन है, टेंट में भी पर्ची कटवाओ तो हाँ भी, टेंट में तो चलो रेट सेम सेम ही रहता है, वहाँ मगर शेषनाग इसमें में कितने कटा था पर्ची? शेषनाग में सर जी शायद हमारे 500 हुए थे, और पंचतरणी में 550 हुए थे पर पर्सन। ठीक पर पर्सन है ना ये, तो फिर भी मतलब सही मिल गई आपको। तो ठीक हाँ, ना पिछली बार उसमें तो अनशन में 1,000 रुपये मांग रहे थे। उसमें इसमें धांधली नहीं है, इसमें तो जो वहां की पर्ची है ना, हाँ यूनियन की पर्ची है वो। हाँ उसके हिसाब से है। अच्छा, इसमें भी ये लोग क्या करते हैं, टेंट वाले आ जाते हैं, टेंट में रुकवा लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, टेंट वाले खुद ही आकर के पैसे ले लेते हैं और फिर पर्ची नहीं देते हैं, फिर कोई दूसरा आ जाता है। वो पैसा मांगता है। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, मैं हमारे पंचतरणी में हुआ ऐसा, अच्छा तो हमने यूनियन वालों को कॉल कर दिया था, फिर बाद में वो वापस आया बंदा जो पैसे लेके गया, वो फिर बहुत हाथाजोड़ी करी, बहुत माफी मांगी, बोला कि आप, फिर बाद में एक पुलिस वाला भी आया था, तो मैंने कहा जी जो होना था हो गया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो तुम लोग जो करते हो ना बहुत गलत है, तुमने हमारे साथ किया, दूसरों के साथ यात्री कितने परेशानी से यहाँ आता है और तुम इस तरह से करते हो। नहीं, आंटी जी मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, मैं ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, भाई बेटा ठीक है, पहलगाम में भी तो आपके साथ हुआ था, वो पैसे ले गया था और पर्ची नहीं 500 रुपए लेके गया था ना, फिर इन्होंने दी पकड़ लिया थी। ना, इन्होंने पकड़ लिया। मैंने इनको बोला, मैंने कहा अभी तो दिन है, आप हाँ पकड़ो उसको साले को, फिर इन्होंने पकड़ करके पर्ची कटवा के लिए आए थे फिर। देखो हाँ, तो क्योंकि देखो इसमें डिले करने में अपन ही लुटते हैं फिर। एक सिस्टम ये है कि अपन ने जैसे पर्ची कटाई ना, जी पर्ची कटा के अपन किसी भी टेंट में लेट सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल सारे टेंट यूनियन के अंडर में है। बिल्कुल अब जैसे हम एक टेंट में पहुंचे तो जी टेंट का मालिक आया, बोले ये मेरा पर्सनल टेंट है, ये पूरा हाँ बुक है, दूसरे में हाँ जाओ। फिर हाँ दूसरे से भी उसने निकाल दिया। फिर मैं हाँ चिल्लाया, मैंने कहा भाई तेरा टेंट है तो चल मेरे साथ यूनियन के ऑफिस, हाँ मैंने चीटिंग कर रहा तू। ये हाँ लोग क्या करते हैं कि वो पूरा टेंट है ना पर्सनल के नाम पर ज्यादा भाड़े पे दे देते हैं, हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा कमाई कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारे चीजें हैं, ये धीरे धीरे उठाएंगे। बहुत लूट मार है जी, बहुत लूट मार है, बहुत लूट मार है। दूसरा और हमने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें वो टेंट वाला कह रहा है कि भाई देखो मेरे पास 9 कंबल है, दूसरा हाँ चार्जिंग की होती नहीं है लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ बल्ब होता नहीं लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ जबकि ये तो नेसेसरी चीजें हैं, बिल्कुल एहसान थोड़ी कर रहा दे करके। और 10 यात्रियों का टेंट और कंबल खुद कह रहा है कि 9 हाँ, है। वो तो पैसा कमाने का जरिया है इनका, हाँ ताकि वो मांगेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। हाँ? आठ आठ जम्मू से ऐसा जयपुर मिल काम रही है। करना कि किसी को ये मत देना, अपना ये बिस्तर विस्तर किसी को मत देना, नौ कंबल है, नौ है इसमें। आप मालिक अच्छा हो ना? भैया हाँ, आप मालिक क्या नाम क्या? है? जाकिर। जाकिर, एक तो तकिए बताओ यार। तकिए नहीं है सर, फिर क्या मतलब है, तकिए तो दो यार। और एक काम करना कि अपने सामान का ख्याल रखना, नहीं वो रख लेंगे, सामान का तो तकिए कर तो लेंगे, दोगे यार? नहीं है जो है इसमें यही होगा, इससे आगे नहीं कुछ आएगा, ना आएगा ना जाएगा इससे। टेंट क्या टेंट नंबर क्या है? नंबर 130B। 130B है ना? ठीक है भैया, ठीक है जाकिर। ऐसा
किसी को सामान मैं अपना ये सामान यहाँ पर मैं छोड़ना और जाना है, फिर बताएंगे अगर किसी ने चोरी करके लिया। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ वही है ना, कल एक यहाँ पर घूम गए फिर उसने यहाँ पर बहुत बड़ा पंगा किया था बगल वाले। तो देखा सुना आपने, 10 आदमियों के टेंट में कुल 9 कंबल है, ऊपर से तकिए भी नहीं है। टेंट वाले ने एक बल्ब और चार्जिंग की सुविधा दी, लेकिन इस पर भी एहसान जता दिया। यह टेंट 10 आदमियों के लिए होता है, एक आदमी से 300 रुपये लिए जाते हैं, यानी 3000 रुपये एक रात के इस टेंट से कमाई कर ली जाती है। लेकिन यात्रियों को रजाई गद्दे और तकिए भी पर्याप्त नहीं मिलते हैं। इसके अलावा पहलगाँव से चंदनबाड़ी तक 160 रुपये किराया तय है, लेकिन यात्रियों से टैक्सी चालक 200 रुपये से ज़्यादा वसूल लेते हैं।